कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज है मंडे, ओम नमः शिवाय। सो गाइस, अभी मेरा सारा काम हो गया, पूजा वगैरह सब कर ली मैंने, तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मैगी, वेजिटेबल मैगी, क्योंकि मैं साल 6 महीने में एक आध बार खाती हूँ, बट मैं खाती वैसी ही हूँ कि उसमें ना पत्ता गोभी, टमाटर, मटर सब डालती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ मैगी। ठीक है, वैसे तो सबको याद होगी, फिर भी एक बार और देख लीजिए। चलिए, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च सब काट लिया है, तेल जो है वो गर्म हो गया है, और चलिए बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं पापड़ भून रही हूँ, ये दाल वाले पापड़ हैं, ये भी मेरे लिए ना वहाँ से आए थे, जहाँ से मेरे लिए शक्कर आई थी मुजफ्फरनगर से। जी, मेरी वेज मैगी तैयार है, ऐसी अच्छी लगती है मेरे को, थोड़ी बहुत अगर खाने का मन करता है, वरना प्लेन मैगी तो मेरे को बहुत बेकार लगती है। और ये चाय तैयार है मेरी, तो आ जाइए नाश्ता कर लीजिए आप लोग भी। Later that same evening. So guys, अब हो गई है शाम और मैं हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। वैसे तो मैं नहीं पीती हूँ, बट आज ना मुझे पीनी पड़ रही है चाय शाम को अकेले, वरना मैं सबके आने का ना वेट करती हूँ, क्योंकि आज सब लोग, मतलब मेरे हस्बैंड और दोनों बेटे तो गए हैं फंक्शन में, और प्रियंका ऑफिस में, तो ऑब्वियसली 9 बजे से पहले कोई नहीं आने वाला, तो फिर मैं अपने लिए और अपने कान्हा जी के लिए चाय बना रही हूँ। वो है ना एक ऐड कि मुझे तुम्हारी इतनी याद आई, तो मैंने अदरक को इतना कूटा, समटाइम्स ना मैं भी कूट लेती हूँ अगर कोई याद आ जाता है। क्योंकि आपकी लाइफ में ना ऐसे ब्लडी लोग बहुत होते हैं, जो मतलब आपको ना किलसा के रख देते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ये लोग 3 बजे गए हैं यहाँ से, पहुँचे अब हैं, और पता है कहाँ गए हैं, कालका जी तक ही गए हैं, एड्रेस नहीं मिल रहा था, घूमते रहे इधर से उधर, घर से भी गए हैं भैया वगैरह, भाभी सब, और मेरे को भी बोल रहे थे जाने के लिए, बट बहुत ज़्यादा भीड़ और शोर ना थोड़ा सा परेशान करता है। और जब से मैं फिर गोल्डन टेम्पल से आई थी ना, तो तबीयत कंटिन्यूसली, मतलब पूरी जनवरी खराब ही रही, इसलिए मैं नहीं गई, मैंने कहा नहीं जाना, और मैं बाद में जाऊंगी जब, क्योंकि मेरी जो बुआ जी की बेटी है, मेरी कज़न है, उनके बेटे की आज सगाई है, 18 तारीख को शादी है, तो बाद में जाऊंगी बहू की मुँह दिखाई करने। और चल रहा है, ऐसे ही चल जाता है लाइफ में ना, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे, मैंने ये अब जाके सीखा है कि बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि आप करो। सो मैं चाय बना रही हूँ, और पता है मैं आपको क्या सोच रही हूँ कि मैं खाऊँ क्या। क्योंकि ना बिस्किट नमकीन तो आई डोंट लाइक, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे को, पहले खाती थी बिस्किट, तो पहले भी नहीं खाती थी, नमकीन खाती थी, बट ना अब 2-3 महीने से ये हुआ कि मुझे नमकीन से भी चिढ़ हो गई है, बल्कि 4 महीने हो गए मुझे नमकीन नहीं पसंद बिल्कुल भी, तो मैं अभी ऐसे सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ, चलिए देख लेते हैं क्या खाऊँगी मैं अभी। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा फेवरेट फूड है, तो क्योंकि पीनट्स नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पर आलमंड्स लिए हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा ऐसे थोड़ा रोस्ट करके खाती हूँ, ये हेल्दी है और ईजी टू डाइजेस्ट है, ये खा सकते हैं चाय के। तो मेरा इवनिंग स्नैक तैयार है एंड चाय, टाइम हो गया है 6:45, आप भी आ जाइए चाय पीते हैं साथ में। सो गाइस, अभी रात हो गई है और ये लोग ना अभी नहीं आए हैं, ठीक है, तो बाहर बैठे बैठे ना मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पैर नीचे करके बैठती हूँ ना, तो मेरे ना पैर सूज जाते हैं, तो अभी मैं अपने रूम में आके बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं क्रोशिया का ही बना रही थी ना, तो यहाँ का टीवी चला लिया और यहाँ बैठी हूँ, और मैं चैनल चेंज कर करके देख रही थी, तो न्यूज़ देखा,
न्यूज़ में, जैसे कि तो पता ही है सभी को कि पुलवामा अटैक हुआ था 14th of February को, 3 साल हो गए आज और हमारे इतने सारे जवान मारे गए थे, तो काहे का वैलेंटाइंस और काहे का ये, इसको मतलब ब्लैक डे के उसमें हम याद करेंगे कि हमारे इतने वीर सैनिक मारे गए थे और कितने बच्चे और कितनी बेचारी सुहागने जो हैं उनको इतना कष्ट सहना पड़ रहा होगा अभी भी, हमें तो नहीं पता ना कि क्या उनकी जिंदगियों में चल रहा है। लेकिन बड़ा ख़राब लग रहा है, न्यूज़ देख रही थी मैं तो बहुत बार इमोशनल हो जाते हैं हम लोग कि बताओ हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे सैनिक कितना कुछ सहते हैं, बड़ा ख़राब लग रहा है सोच के। तो अभी मैं उन सबका वेट ही कर रही हूँ, प्रियंका भी आने वाली है रास्ते में और ये लोग तो निकल चुके हैं 6:30 बजे के, 6:30 बजे निकले थे और वहाँ इतना ट्रैफिक है आश्रम पे कि वहीं 2 घंटे में ना, 2 घंटे से वहीं खड़े हुए, तो अभी और उनको 1 घंटा लगेगा आने में। तो मैंने सोचा कि क्योंकि डिनर वगैरह आज बनाना नहीं है क्योंकि हम लोग, ये लोग तो बाहर से खा के आएंगे, थोड़ा बहुत जो भी रखा है मौका लेंगे मैं और प्रियंका, तो फिर मन भी नहीं किया कुछ भी, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और अब देखो जब आएगी प्रियंका तो हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या डिनर में खाएंगे। और अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए टॉपिक पर और कुछ और नया करेंगे। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।